देखिए अब इसके बारे में मैं पूरी जानकारी तो नहीं आपको दे सकता, मुझे आइडिया नहीं था ये प्रश्न आप पूछेंगे, लेकिन नहीं अभी हमारे कुछ टीजीटी टीचर हैं उन पे एक रोक लगी थी, वो जो इंग्लिश इलेक्टिव वगैरह का एक उसमें थी, तो कोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी और वो काफी अच्छी संख्या 3,000 से ज्यादा टीचर हैं जो कि अभी हम मुझे लगता है कि जल्दी हम उनको प्रोसेस पूरा कर लेंगे और ज्वाइन करा लेंगे। हमारे पास जो स्कूल है 40,000 टीचर्स की कमी का आप महत्व समझते हैं बहुत, क्योंकि आप बहुत और अलग टाइप के मंत्री हैं, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अंदर ठीक रहता है। बिना टीचर्स के हम शिक्षा क्या दे पाएंगे? हम शिक्षा नीति की बात करें 2025 में लागू कर देंगे बिना टीचर्स के। देखिए जो सैंक्शन पोस्ट है ये जो कमी उस प्रकार से बताई जाती है, जो सैंक्शन पोस्ट है उसके हिसाब से बताई जाती है, लेकिन जैसे अभी रेस्टलाइजेशन की हमने बात की तो काफी समस्या का समाधान उसमें होगा, लेकिन हम प्रयासरत हैं। जैसे अभी मैंने आपसे टीजीटी की बात कही तो काफी टीचर 3,000 से ज्यादा टीचर है उसमें भर्ती हो जाएंगे, ये हो जाएगा, उनको ज्वाइन करा लेंगे और भी कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको ज्वाइन कराने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि टीचर फिर भी हमारे पास कम है। हम प्रयासरत हैं, जल्दी हमें जैसे ही मंजूरी मिलेगी तो हम जल्दी टीचरों की भर्ती कर लेंगे। नहीं देखिए वो तो एफडी से भी मंजूरी मिलती है, वहां से भी एक बात होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं भी बता सकता कि कितने भर्ती है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं फिर वो डाटा लेके आपको कितने टीचर्स की कमी है। नहीं कमी है, मैंने आपसे मैंने इस बात को विधानसभा में भी स्वीकार किया था कि लगभग 34,000 के करीब जो थे टीचरों की कमी हमारे पास थी, लेकिन उसमें हम कुछ भर्ती जो है ये जो कोर्ट ने रोक रखी थी जैसे ही वो होगी कुछ की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन जल्दी हम टीचरों की कमी को पूरा कर लेंगे। इसमें आप हमें कोई समयबद्ध कर सकते हैं कि एक साल में इतने टीचर भर्ती हो जाएंगे, दो साल में हो जाएंगे, तीन साल में हो जाएंगे? जैसे भर्ती शिक्षक बोर्ड एक अलग से बनाया गया था, वो केवल इसलिए बनाया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्ती नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही बात है, मैंने वहां भी विश्वास दिलाया था कि इस एक साल के अंदर अंदर हम लगभग टीचरों की जो कमी है वो पूरी कर लेंगे। एक साल के अंदर अंदर टीचरों की जो कमी है वो पूरी कर देंगे। कमी का मतलब हम भर्ती कर लेंगे? हाँ भर्ती करेंगे। एक साल में टीचर्स भर्ती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 34,000 लिखे हैं या 30,000? 34। अब देखिए जो आंकड़ा है वो 34 का है, जो कमी है वो 34 की है। तो आज हम ये खबर ली है 34,000 टीचर एक साल में भर्ती कर लेंगे? हाँ नहीं वो टीचरों की कमी पूरी कर लेंगे। देखिए रेस्टलाइजेशन करने से शायद कुछ उसमें अंतर आ जाए आंकड़े में, जो अभी आंकड़ा है वो 34,000 का है। रेस्टलाइजेशन में कुछ थोड़ा फर्क पड़ सकता है। हाँ बस ठीक है, 5 काट 29,000 ठीक है ठीक है, आपकी बात कर देंगे। सर एक विधायक है बलराज कुंडू, वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को सरकार कर्ज देकर के नीलामी के कगार पे लेके जा रही है और सरकार का मकसद है कि विश्वविद्यालय कर्जे में आ जाए और इनको नीलाम करना, स्थिति क्या है? नहीं देखिए सरकार की सोच है कि जो विश्वविद्यालय है वह स्वायत्त संस्था है और वो आर्थिक रूप से भी स्वायत्त बननी चाहिए। दुनिया में जो विश्वविद्यालय है वो जो उनमें